कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अपने घर पर ठीक हैं। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। चलिए आज की कक्षा में हम सबसे पहले देखते हैं हमारा आज का पासवर्ड क्या है। हमारा आज का पासवर्ड है एक्सटर्नल। क्या है? एक्सटर्नल। क्या स्पेलिंग होते हैं एक्सटर्नल के? EXTERNAL, external। क्या स्पेलिंग होते हैं external के? EXTERNAL, external का मीनिंग क्या होता है? external का मीनिंग होता है किसी भी चीज का आउटर सरफेस। जैसे कि हमारी बॉडी ही ले लीजिए, हमारी बॉडी के जो बाहर के पार्ट्स हैं, यानी कि जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, यानी कि बाहर के पार्ट्स हैं। तो एक्सटर्नल का मींस क्या होता है? किसी भी चीज के बाहर का हिस्सा। तो बच्चों, आज की कक्षा शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि हमने पिछली कक्षा में क्या किया था। पिछली कक्षा में हमने आपकी किताब का पाठ 3 किया था, जिसका नाम था आसमान गिरा। उस पाठ के हमने प्रश्न उत्तर और बुक वर्क भी कर लिया था। तो आई होप आप सब ने उसको कंप्लीट कर लिया होगा और आप लोग उन क्वेश्चन आंसर्स को लर्न भी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की हिंदी क्लास। तो चलिए अब चलते हैं हमारी आज की कक्षा के टॉपिक की तरफ। बच्चों, आज हम आपकी किताब में से पाठ 4 करेंगे, जिसका नाम है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत से आपको क्या समझ आता है? स्वच्छ यानी कि साफ। स्वच्छ माने साफ। स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने आसपास की स्वच्छता और अपने शरीर की स्वच्छता बहुत जरूरी है। कुछ लोग अपने शरीर की, अपने घर की साफ सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन अपने आसपास के वातावरण को गंदा करते हैं। वो कहीं भी कभी भी सड़क पर कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस चीज के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, कि जिसके तहत हमें अपने भारत को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। कूड़ा कचरा जो है हमें कूड़ेदान में ही फेंकना है। तो हमारा आज का टॉपिक, हमारा आज का पाठ भी इसी पर आधारित है। तो चलिए खोलिए अपनी बुक का पेज नंबर 30 यानी कि 30 और ये कविता मेरे साथ साथ पढ़िए। स्वच्छ भारत। नेहा ने एक केला खाया, खाकर छिलका वहीं गिराया। तभी वहां एक चिड़िया आई, सिर पकड़कर वह झल्लाई। अपनी चोंच खोल चिड़िया ने उस छिलके को तुरंत उठाया, छिलका कूड़े दान में डाला, प्यार से नेहा को समझाया। बोली चिड़िया, ठीक नहीं है सड़क पर यूं कूड़ा फैलाना। प्यारी नेहा, हमको अपना प्यारा भारत स्वच्छ बनाना। हम सब सदा घरों में अपने साफ सफाई रखते हैं, फिर बोलो सड़कों गलियों को क्यों हम गंदा करते हैं। स्वच्छ भारत। स्वयं साफ रहना और अपने आसपास साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। हम सब मिलकर भारत को स्वच्छ बनाएंगे। नेहा ने एक केला खाया, खाकर छिलका वहीं गिराया। तभी वहां एक चिड़िया आई, सिर पकड़कर वह झल्लाई। अपनी चोंच खोल चिड़िया ने उस छिलके को तुरंत उठाया,
छिलका कूड़ेदान में डाला, प्यार से नेहा को समझाया। बोली चिड़िया, ठीक नहीं है सड़क पर यूं कूड़ा फैलाना, प्यारी नेहा हमको अपना प्यारा भारत स्वच्छ बनाना। हम सब सदा घरों में अपनी साफ सफाई रखते हैं, फिर बोलो सड़कों गलियों को क्यों हम गंदा करते हैं। साफ रहेंगे साफ रखेंगे आज कसम हम खाते हैं, कहीं करेगा कोई न गंदा भारत स्वच्छ बनाते हैं। तो बच्चों, इस कविता से आपको क्या समझ आया? क्या था कविता में? कविता में था कि नेहा केला खाती है और उसको ऐसे ही सड़क पर गिरा देती है। चिड़िया आती है और उस केले के छिलके को अपनी चोंच में उठाकर कूड़ेदान में डाल देती है और नेहा को समझाती है कि यदि हम अपने घर की साफ सफाई रखते हैं, हमारी अपनी साफ सफाई रखते हैं, तो सड़कों और गलियों को गंदा क्यों करते हैं। अगर एक छोटी सी चिड़िया को ये बात समझ आ सकती है तो हमें क्यों नहीं। हम सब मिलकर ही हमारे भारत को स्वच्छ बना सकते हैं। तो चलिए हम प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने आसपास, अपने घरों के आसपास या सड़क गलियों में कूड़ा कचरा नहीं फैलाएंगे और जो भी होगा कूड़ेदान में ही डालेंगे। अगर हम कूड़े कचरे को कूड़ेदान में नहीं डालेंगे, चारों तरफ फैला देंगे, तो उससे चारों तरफ बदबू फैल जाएगी। बदबू फैलने से बहुत सारी बीमारियां होंगी। तो बीमार कौन होगा? हम लोग। तो हमें क्या ध्यान में रखना है? स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो। कि अगर हम स्वच्छ रहेंगे, हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा, तो ही हम स्वस्थ रहेंगे। यही हमें इस कविता में बताया गया है। अब हम आपकी किताब का पेज नंबर 32 देखते हैं। तो निकालिए अपनी किताब का पेज नंबर 32। इस पर हमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। पहला है हमारा झल्लाना। शब्द है हमारा झल्लाना। तो इसका अर्थ क्या होता है? गुस्से में चिढ़ना। तो चलिए मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ। झल्लाना, गुस्से में चिढ़ना। लिख लिया झल्लाना यानी गुस्से में चिढ़ना। अगला है हमारा स्वच्छ। स्वच्छ अभी पढ़ा हमने। स्वच्छ, स्वच्छ का मतलब क्या होता है? क्या होता है स्वच्छ का मतलब? साफ। क्या होता है? साफ। स्वच्छ यानी साफ। तीसरा देखिए, तीसरा है हमारा कूड़ेदान। क्या है? कूड़ेदान। क्या होता है कूड़ेदान? जिसमें हम कूड़ा डालते हैं। कूड़ेदान जिसमें कूड़ा डालते हैं। लास्ट है हमारा सदा। क्या है? सदा। सदा मीन्स हमेशा। सदा मीन्स हमेशा। तो ये है हमारे कुछ शब्द अर्थ। झल्लाना यानी गुस्से में चिढ़ना, स्वच्छ यानी साफ, कूड़ेदान जिसमें कूड़ा डालते हैं, सदा हमेशा।
तो आप लोग अब इस कविता को अच्छे से पढ़िए, समझिए कि इसमें हमें क्या समझाया गया है, और ये भी ध्यान रखिए कि कभी भी हम अपने आसपास अपने वातावरण को गंदा नहीं करेंगे। अगली कक्षा में हम इसी पाठ को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इन शब्द अर्थों को अपनी नोटबुक में लिखिए और लर्न कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।